के 6 बजे अगर अमेरिका में तो अपन को 10 बजे कुछ चीज पता चलती थी कि सुबह 6 बजे घटना हो चुकी है। राष्ट्रहित में वोट देंगे, जो राष्ट्र के लिए अच्छा कार्य करेगी उन्हें वोट देंगे, जो हिंदुत्व के प्रति जागरूक रहेगी उसे वोट देंगे। विद्यार्थी परिषद किसी पार्टी का मोहताज नहीं, किसी पर्चे का मोहताज नहीं। विद्यार्थी परिषद स्वयं में एक इतना मजबूत संगठन है जो किसी को भी कहीं से भी उठा के कहीं भी पहुँचा सकता है, कहीं से भी गिरा सकता है। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। नमस्कार, मैं तरुण देव, आपका स्वागत है द खबरदार में। आज युवाओं के हित में सरकार किस प्रकार के फैसले ले रही है, युवा किस प्रकार शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहे हैं, देश विदेश में जाके पढ़ाई करके और भारत का नाम विश्व में ऊंचा कर रहे हैं, इसी संदर्भ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवा और शिक्षित अभी अध्ययनरत हैं ऐसे युवा राम शास्त्री जी से हम मुलाकात करते हैं और जानते हैं युवाओं के विकास, युवाओं के प्रति शिक्षा, युवाओं के प्रति सरकार किस प्रकार की योजनाएं रखती है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा, आज का युवा शिक्षा के प्रति किस प्रकार शिक्षित होना चाहता है, किस प्रकार सोचता है, इसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। आज का युवा बहुत ही जागरूक है शिक्षा के प्रति, कोई भी अशिक्षित नहीं रहना चाहता। युवाओं को पूरा पता है कि मतलब बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे थी पहले, लेकिन आज के टाइम पे जो केंद्र सरकार की इतनी अच्छी योजनाएं हैं कि कोई भी अशिक्षित ना रह जाए। सीएम राइज स्कूल हमारे मध्य प्रदेश में श्री शिवराज सिंह चौहान जी जो स्टार्टअप करके गए हैं सीएम राइज स्कूल, और एक पीएम के स्कूल भी स्टार्ट हुए हमारे मोदी सरकार में हुए जो मोदी जी ने किए हैं, जिससे कोई भी अशिक्षित ना रहे। इसमें हाई स्कूल में से लेकर 12th तक की अच्छी पढ़ाई की रोकड़ लगाई जाती है, जो मतलब प्राइवेट स्कूल से भी बहुत ही बेहतर फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल है, स्मार्ट क्लासेस है, बहुत सी चीजें हैं जिससे मतलब कोई भी मतलब अशिक्षित ना रहे और सबको अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जाए। युवाओं का राजनीति के प्रति रुझान में आप क्या समझते हैं? वैसे तो युवा शिक्षा के लिए ज्यादा मतलब अपने एकलव्य होकर कार्य कर रहे हैं, परंतु विद्यार्थी परिषद एक राजनीतिक संगठन नहीं है। विद्यार्थी परिषद है क्या? समाज सेवक के लिए प्रति एक संगठन है जो मतलब युवाओं को, युवाओं की आवाज उठाता है, युवाओं पर कहीं कहीं दबाव बनाता है, कोई पार्टी दबाव बनाती है, किसी मतलब पार्टी के लिए कार्य नहीं करता विद्यार्थी परिषद। मतलब कोई अगर युवाओं पर दबाव बना रहा है तो विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता स्वयं में ही एक इतना मजबूत कार्यकर्ता हो जाता है, इतनी बड़ी ताकत हो जाता है जो मतलब किसी से भी टकराने की दम रख सकता है। एक और, पहले इतनी उन्नत शिक्षा भारत में नहीं थी, आज कई प्रकार की टेक्नोलॉजियों के द्वारा, कई प्रकार की व्यवस्थाओं के द्वारा आज कई महाविद्यालयों यूनिवर्सिटीज में जो शिक्षा अध्ययनरत हैं विद्यार्थी, उसके बारे में आप क्या विचार रहे? महाविद्यालय वगैरह में पहले जैसे आपने बताया कि इतनी अच्छी शिक्षा नहीं थी, तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, तो ये सब है क्या? केंद्र सरकार द्वारा है, केंद्र सरकार ने मतलब इतना कार्य किया है कि मतलब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई है, हमारे महाविद्यालय में इतनी मतलब स्मार्ट क्लासेस चल रहे हैं, बहुत सी चीजें चल रही है, तो इससे युवाओं के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट है। जैसे है क्या, युवाओं को बहुत सी चीजें सीखने को मिल रही है। पहले हमारे यहाँ का युवा इतना नहीं था, मतलब ये है कि मैं ये कह सकते हैं अपन जो सुबह के 6 बजे अगर अमेरिका में तो अपन को 10 बजे कुछ चीज पता चलती थी कि सुबह 6 बजे घटना हो चुकी है किसी के, मतलब जैसे व्हाट्सएप कॉल करना है, बहुत सी चीजें करना है जो आजकल हमारे केंद्र सरकार के द्वारा ही ये मतलब एक खुश मतलब हो पाया है। ये युवा आज का युवा नशा के प्रति एक ललकपन दिखता है उनका, उसके प्रति आप क्या सोचते हैं? वो नशाखोरी युवाओं में जो आती चली आ रही है, उसको कैसे युवाओं को हटाया जाए और एक प्रकार की शिक्षण संस्थानों में भी एक प्रकार की इस तरीके की जो व्यवस्था आ रही है उसको आप किस प्रकार दूर करेंगे, इस पे मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। भैया, ये आपने बहुत ही अच्छे सवाल पूछा कि नशा के प्रति, मैं भी सोच रहा था उसके बारे में कोई बात नहीं, तो आपने बिल्कुल सही बोला। आजकल का युवा मतलब नशे को देखते हुए कि बोले अगर हम सिगरेट पियेंगे तो हम भी मतलब आज के मॉडर्न जमाने में आ जाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मेरे बहुत से मित्र हैं जो ये काम करते हैं, सिगरेट वगैरह बहुत सी चीजें करते हैं, परंतु मेरा एक सिद्धांत है, मेरे पिताजी के आदर्शों के ऊपर जो मेरे सिद्धांत है वो ये है कि नशा से हमें कोई फायदा नहीं है 1% भी, जो है नुकसान है। 3 चीजें नुकसान है, पैसा जाता है अपनी जेब का, माता पिताजी का सम्मान जाएगा आपके कि आपको छिपके काम करना पड़ेगा, दूसरा आपका स्वास्थ्य खराब होगा। अगर एक भी तुम्हें फायदा है तो करो ना, अगर तीनों में तुम्हें नुकसान दिख रहा है, साफ साफ तुम्हें समझ में आ रहा है कि 35 से 40 साल की उम्र में तुम्हारा शरीर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, तुम्हारा समाज में कोई भी सम्मान नहीं रहेगा और तुम्हारा चेहरा ऐसा हो जाएगा कि तुम 60-70 की एज में पहुंच गए हो, तो युवाओं को इससे बच के रहना चाहिए। मेरा बस एक ही उनसे मतलब, देखो युवा और विद्यार्थी वर्ग जो होता है उनको वोट देने का अधिकार 18 वर्ष के बाद मिल जाता है,
तो युवा और विद्यार्थी छात्र रहते हैं वो अपना वोट का मताधिकार का प्रयोग भारत के विकास में या सरकार किस प्रकार की सरकार चुनना चाहेंगे? राष्ट्रहित में वोट देंगे, जो राष्ट्र के लिए अच्छा कार्य करेंगे उन्हें वोट देंगे, तो हिंदुत्व के प्रति जागरूक रहेगी उसे वोट देंगे। जैसे लोकसभा का चुनाव आ रहा है, लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की सुविधाएं किस प्रकार की योजनाएं मध्य प्रदेश शासन या केंद्र शासन ने युवाओं के हित में संचालित की है उसके प्रति आप क्या सोचते हैं? वैसे वर्तमान में जैसे केंद्र सरकार थी जो भाजपा सरकार थी, तो भाजपा सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है युवाओं के लिए, हिंदुत्व के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया, राष्ट्रहित के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है। तो वैसे अभी तो कोई नहीं है, वैसे मैं तो अभी भाजपा को ही मानता हूँ, परंतु अगर और भी कोई पार्टी आती है जो राष्ट्रहित में कार्य करती है, वह संगठन जिसकी मतलब हाथ रखता है, संगठन बताता है कि हाँ ये पार्टी भी मतलब राष्ट्रहित में कार्य कर रही है और हमें खुद दिखता है, युवाओं को खुद दिखता है, तो उसको हम मतदान करें। आपका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किस प्रकार युवाओं के लिए छात्रों के लिए कार्य करता है? विद्यार्थी परिषद हर छात्र के लिए, मतलब कोई छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो और कोई कितना बड़ा ही पहुंच जाए, जैसे अभी मोहन यादव जी थे हमारे मुख्यमंत्री थे, वो भी विद्यार्थी परिषद के मतलब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे, हमारे जेपी नड्डा जी भी विद्यार्थी परिषद के, गडकरी जी भी हमारे विद्यार्थी परिषद के थे। तो विद्यार्थी परिषद ये है कि किसी भी छात्र की आवाज दबी न जाए, जैसे यूनिवर्सिटीज वगैरह में होता है, स्कूल वगैरह में रहता है कि विद्यार्थी को दबाया जाता है कि तुम्हारा ना काम नहीं हो रहा तो 500 रुपए देने पड़ेंगे, 1000 रुपए देने पड़ेंगे, परंतु विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसा संगठन है जो विद्यार्थी के हित के लिए कार्य करता है, किसी पार्टी के दबाव में आकर नहीं, विद्यार्थी परिषद स्वयं में एक मजबूत संगठन है। आज के युवा अपनी सांस्कृतिक विरासत को खोते हुए नजर आते हैं, उस सांस्कृतिक विरासत की ओर कैसे युवाओं को मोड़ा जाए और कैसे मतलब अपनी संस्कृति से जोड़ा जाए, रीति रिवाजों से जोड़ा जाए, और जिससे आज का छात्र और युवा उन्नत हो, भविष्य अच्छा हो, इसके बारे में आपका संगठन। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, तो इसके लिए हमारे विद्यार्थी परिषद ने कला मंच नाम का एक समूह बना के रखा है, उसके लिए मतलब कि अपने जो सामाजिक कार्यक्रम वगैरह होते हैं उसके लिए एक अलग ही समूह है, जो इसमें इंटरेस्टेड उसमें कार्य करें। उसके बाद हम लोग सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह करवाते हैं 6 महीने में, 3 महीने में स्वामी विवेकानंद जी का ये युवा दिवस होता है उसको हम लोग मनाते हैं, और भी हमारे जो मतलब को जो मतलब प्रेरणा दे सके ऐसे सारे कार्यक्रम का आयोजन करता है विद्यार्थी परिषद करता है और आगे भी करता रहेगा। और जैसे संगठन है युवाओं के, वो इन चीजों में कार्य नहीं करते, वो क्या पॉलिटिकल होम रहते हैं कि पॉलिटिकल उन्हें मतलब कर रही है कोई सरकार है, उसने उन्हें पैसे दे दिया कि तुम्हें काम करना है, युवा को इकट्ठा करना है। विद्यार्थी परिषद किसी पार्टी का मोहताज नहीं, किसी पर्चे का मोहताज नहीं, विद्यार्थी परिषद स्वयं में एक इतना मजबूत संगठन है जो किसी को भी कहीं से भी उठा के कहीं भी पहुंचा सकता है और कहीं से भी गिरा सकता है। धन्यवाद आपका, आपके विचारों को जानना।